तो ये इमेज देखकर आपके दिल में गाना आ रहा है, कौन सा गाना है वो? इस गाने में डायरेक्टर इम्तियाज अली ने दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर यानी तारा को रेड कलर के कपड़े पहनाए टू रिप्रेजेंट हार्ट, दिल, और रणबीर कपूर को यानी वेद के कैरेक्टर को बेज कपड़े पहनाए टू रिप्रेजेंट ब्रेन। ये पूरा गाना इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, दिल और दिमाग के बीच होने वाली इंटरेक्शन, होने वाली बातों के ऊपर है ये पूरा गाना। तो अब अगर आप ये गाना लिरिकली और विजुअली एक साथ सुनेंगे, देन यू विल सी द जीनियस ऑफ इम्तियाज अली एज अ डायरेक्टर एंड एआर रहमान टुगेदर। लिसन। सबसे ज्यादा खूबसूरती से लिखा हुआ गाना, तेरी किटताल से लो चली कहानी, अनगट काल से लो चली कहानी। दोबारा इस तरह के किसी गाने को लिखने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती है, सोचो मत कि कहाँ और कब और किसकी, बस मजा लो। इस एक गाने में 10 से ज्यादा कहानियों का जिक्र किया गया और डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बड़ी रूहानी तरीके से उन कहानियों को पर्दे पर भी उतार दिया। वो नाम की सोनी भी थी, महिबाल की होनी भी थी। लिरिसिस्ट इरशाद कामिल ने सभी एक अर्थ वाली एक जैसी कहानियों को एक ही स्टैंजा में एक साथ पिरो दिया। वो उठा विरोधी परचम, मुगले आजम को था ये हम, शहजादा मोहब्बत करके इज्जत का करेगा कजरम बसम, रोजा की थी हेलन था एक मीर था मैं रावण, अंतत भीषण युद्धम क्रंदन मेरा दो रंजन माही रंजन। नाउ यू सी द जीनियस ऑफ इम्तियाज अली। यमुना है या जमुना, जोसेफ है या यूसुफ, जीसस है या ईसा, मोसेस है या मूसा, ब्रह्मा है या इब्राहिम, वासुदेव ने कान्हा को जमुना से पार लंघाया, दरिया से तो फिरौन की बहना ने फिर मूसा उठाया। गाना कुन पाया कुन, कुन फाया कुन शब्द कुरान से लिया गया है जिसका मतलब है कि खुदा ने कहा हो और हो गया। इनफैक्ट बाइबल में भी लिखा है दैट गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, बी एंड देयर वाज, बाइबल में कहते हैं। वही तज़किरा अरबिक में कहा जाए तो होता है कुन फाया कुन, इट्स रेफरिंग टू द सेम इवेंट ऑफ क्रिएशन, एंड ऋग्वेद में है तो ये सब एक हो जाता है यार, मतलब सब एक है। और ऋग्वेद के नासादीय सूक्त हिम ऑफ क्रिएशन में भी यही बात कही गई। ओम नासदासीर नो सदासीर तदानीम आनीदवादग सदया तदेगम तस्माद् धान्यन्न परः किञ्चनासा। कैसे इरशाद कामिल के लिखे इस एक गाने ने हम सबको एक साथ जोड़ दिया, शायद इसीलिए इस गाने में इतना सुकून, इतनी शांति है। इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार का असल में ये गाना चेक रिपब्लिक की एक फोक टेल स्लीपी जॉन पर बेस्ड है। कहानी कुछ यूं है कि एक रानी 12 जोड़ी जूतों के साथ हर रात को महल से गायब हो जाया करती थी। तो एक रात राजा ने उसके पीछे एक जासूस भेजा और पाया कि रानी हर रात शैतान के साथ नाचने के लिए अंडरवर्ल्ड जाती है।
ये बात सुनकर राजा ने रानी को कैद कर दिया। रानी खुश नहीं थी, वो इन सोने की दीवारों को तोड़कर अपनी आजादी चाहती थी। सोने की दीवारें मुझे खुशी ना ये दे पाए, आजादी दे दे मुझे। फिर एक रात धरती फटी और रानी हमेशा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड शैतान के पास चली गई। अब अगर आप ये मूवी ध्यान से देखेंगे तो आपको हीर का कैरेक्टर वही रानी लगेंगी, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट बाय इरशाद कामिल सर इन दिस सॉन्ग। मूवी रॉकस्टार और गाना ये गाना सुनते ही जैसे ये दो लाइनें दिमाग में नहीं आ जाती। ये लाइनें लिखी थी बाबा फरीद ने, जो एक महान सूफी संत और पंजाबी कवि थे। इनके लिखे शब्द और श्लोक हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान के शहर फरीदकोट का नाम भी बाबा फरीद के नाम पर ही रखा गया था। वो अपने आप को कुएं से उल्टा लटकाकर हठ योग से कड़ी तपस्या किया करते थे। 93 यानी 93 साल की उम्र में जब उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी, तब उनके आसपास बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो गए। बाबा फरीद ने उन कौवों से कहा था कि चाहो तो मेरे शरीर का पूरा मांस खा लो, बस मेरी इन दो आंखों को छोड़ देना, क्योंकि इनमें अभी भी मेरे महबूब को देखने की आस बाकी है। ये गाना मैनू विदा करो शिव कुमार बटालवी की नज्म मैनू विदा करो से जुड़ा हुआ है। उनकी इसी नाम से एक किताब भी थी। जब आप उनकी नज्म पढ़ोगे या ये गाना सुनोगे तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बारों पीर मेरे दे सर तो नैन सरा दा पानी, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में। कितनी खूबसूरती से इरशाद कामिल ने दो कलाकारों की अलग अलग कहानियों को एक साथ एक ही रस्ते पर मोड़ दिया। प्रभ जी इस विदा दे वेले सच्ची गल लाई, झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो। एक और अजीब कोइंसिडेंस है कि ये नज्म जिनकी है और ये गाना जिनके ऊपर बना है, वो दोनों ही हमारे बीच से बहुत कम उम्र में चले गए थे, लेकिन आज दोनों की कहानी की एक ही आवाज। विदा करो मैनु विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार, जला देंगे। गाना लंबरगिनी, जगजीत सिंह और रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल, इन सब में क्या कॉमन है? पंजाबी टप्पे। ये असल में एक बहुत पुराना फोक स्टाइल है जिसे पंजाब में कैमल यानी ऊंट चलाने वाले गाया करते थे। टप्पे को उसकी मेलेडी से पहचाना जाता है। सारे दंत पे कट देने। टप्पे कॉल एंड रिस्पांस पैटर्न में काम करते हैं और इसके लिरिक्स ए बी ए पैटर्न में होते हैं, मतलब जिनकी पहली और तीसरी लाइन राइम करती है। असी तन्नु चंगे लग दे, ते साडे दिया पुत वट दे दे। टप्पे की इस मेलेडी के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं, जैसे लंबरगिनी चलाई जाने ओ सुटा कुकड़ बने रे ते, एंड रिसेंटली बी प्राक का गाया हुआ गाना फ्रॉम द मूवी एनिमल। सारी दुनिया जला देंगे। असल में टप्पे बस एक फॉर्मेट है जिसमें आप भी अपने लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। सो बी क्रिएटिव एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट्स।